महाराज यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर दौरे पर आए, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर नई कार्यकारिणी से मुलाकात की। साथ ही यहां सिंधिया नई कार्यकारिणी का 1-to-1 परिचय प्राप्त करते भी नजर आए। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी कार्यालय पहुंचकर सिंधिया ने की नई कार्यकारिणी से भेंट। सिंधिया ने नए पदाधिकारियों का लिया 1-to-1 परिचय। इंदौर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में घोषित हुई बीजेपी की नई कार्यकारिणी से भेंट की। वहीं सिंधिया नवीन पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त करते नजर आए। यहां उनके साथ मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, विधायक मालिनी गौड़, आकाश विजयवर्गीय, बीजेपी नेता सुदर्शन गुप्ता, नगर उपाध्यक्ष अशोक चौहान, पद्मा भोजे, एकलव्य सिंह गौड़, प्रणव मंडल, गायत्री गोगाड़े, प्रकाश राठौर, पवन जायसवाल, योगेश गेंदर, दीपक राजपूत, महामंत्री सुधीर कोल्हे, संदीप दुबे, सविता अखंड, नगर मंत्री माधुरी जायसवाल, अजीत राय समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। देखिए, इंदौर महानगर की ये जो नई कार्यकारिणी है, इसमें युवा और अनुभव दोनों का समावेश है। हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत नीचे से, पोलिंग बूथ स्तर से, वार्ड स्तर से और मंडल स्तर से काम करते हुए सभी कार्यकर्ताओं की एक टोली, जिसे हम कह सकते हैं सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी, सभी समाज, सभी क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए ये जो कार्यकारिणी गठित हुई है। कल प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी हमें ये बताया कि ये एक दायित्व बोध है, और जब हम किसी दायित्व पर रहते हैं तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। आज माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी सभी पदाधिकारियों को ये बताया कि ये जो जिम्मेदारी, ये जो दायित्व उन्हें मिला है, उस दायित्व को लेके वो नीचे तक और कैसे पार्टी का काम और कैसे बूथ स्तर पर मजबूत कर सके। निश्चित तौर पे हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ऊर्जा का संचार है कि सभी वरिष्ठ नेतृत्व का उनसे परिचय भी हुआ और मार्गदर्शन भी प्राप्त। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, इंदौर।